नमस्कार, वेलकम टू मायाज फूड। और आज की हमारी रेसिपी है ढोकला। दिखने में जितना सुंदर है, यकीन मानिए टेस्ट में भी उतना ही सुंदर है। और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने इसमें बनाया है। खास बात हमारे वीडियो में यही है कि इसका जो मेजरमेंट है, इसकी वजह से आपका जो ढोकला है कभी भी नहीं बिगड़ेगा। और कुछ खास ट्रिक्स भी है हमारे इस रेसिपी में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये चार कटोरियाँ रखी हैं, और इन चार कटोरियों में ये चारों ही चीज़ें जो हैं, इनका मेजरमेंट यदि आपने समझ लिया तो आपका ढोकला कभी नहीं बिगड़ेगा। तो चीज़ें हम पहले देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो है, मैंने यहाँ पे शक्कर ली है। अब जितनी मैंने शक्कर ली है, उतनी ही यहाँ पे मैंने ये नींबू सत लिया है। ये देखिए, नींबू पाउडर भी कहते हैं इसे, तो ये नींबू सत भी मैंने लिया है। तो इन दोनों की जो मात्रा है वो हमें सेम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब जाते हैं सोडा, यानी कि जो खाने का सोडा होता है हमारा, वो वाला। तो वो भी लगभग हमारा इसी की रेंज में, यानी कि इतना ही है जितना कि ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चलते हैं कि ये जो ऑयल लिया है हमने, यानी कि तेल, साधारण ऑयल यूज़ करना है आपको यहाँ पे। सरसों वगैरह का ऑयल यदि आप यूज़ ना करें तो बेटर होगा। तो वो ऑयल मैंने लगभग यहाँ पे लिया है एक कटोरी भर के, हल्का सा बस, जस्ट खाली है, लेकिन मान लीजिए कि एक छोटी कटोरी भर के ही हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, ये मेजरमेंट आपका ढोकला कभी भी बिगड़ने नहीं देगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी। हल्दी हम कम ही मात्रा में यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन इंग्रेडिएंट हमारा यहाँ पे होता है बेसन, यानी कि चने का आटा। तो ये देखिए, ये एकदम नॉर्मल सा पिसा हुआ है, बारीक सा पिसा हुआ। तो इसे लेना कितना है ये हम देखते हैं। तो एक कटोरी यहाँ पे मैंने रख ली है, कांच का बाउल है। तो अब इस बाउल को मैं पूरा भरूंगी। अब बाउल को हमें बराबर, अब बाउल को जो है वो हमें नॉर्मल ही भरना है, इस तरह से प्रेस करते हुए ना भरिएगा। तो पहले हम बाउल को भर लेते हैं एक। तो ये देखिए, इस तरह से एक बाउल हमारा भर चुका है। तो इस तरह से अब ये एक बाउल हमारा बेसन का आटा तैयार है। इसे अब हम उस बर्तन में डालेंगे जिसमें कि हमें इसे फेंटना होगा। और इसी तरह से मैं इसे दोबारा से भरूंगी, यानी कि ओवरऑल यदि देखा जाए तो मैंने यहाँ पे दो बाउल बेसन का आटा यूज कर रही हूँ। ये देखिए, इसे भी मैंने भर लिया है, इसमें डाल देंगे। मैंने इसे मिक्स करने के लिए एक पतीला लिया है। तो मिक्स करने के लिए आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही लीजिएगा, क्योंकि ये फुलकर ऊपर आ जाता है ना, तो फिर इससे बेटर है कि हम थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही। अब ये पहले तो हमने ले लिया यहाँ पे बेसन। अब इसमें सबसे पहले हमें डालना होगा तेल। तो सारा का सारा तेल हमने डाल दिया। अब पहले तो आप क्या कीजिएगा, तेल डालने के बाद इसे पहले इस तरह से मिक्स कर लीजिए। यो, तो अब तेल हमारा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें इसमें डालना होगा शक्कर। तो शक्कर डाल देते हैं, साथ ही में हम अब इसमें डाल देंगे ये नींबू सत, और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब इन चीज़ों को डालने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है, और इसे अब हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। फिर से थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें। ये देखिए, बैटर जो होता है हमारा ढोकला का ना, तो वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप ही होता है, इसलिए पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करना है, लेकिन मिक्स काफ़ी अच्छे तरह से करना है। तो मिक्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छे तरह से आप इसे मिक्स करेंगे, आपके ढोकले में जो स्पंज बनेगा ना, तो वो मिक्स करने की वजह से ही बनता है। इसलिए मिक्स करने वाली प्रोसेस को थोड़ा सा हमें यहाँ पे सीरियस लेना तो पड़ेगा ही। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। तो हल्दी हमें काफ़ी कम डालनी है, यानी कि मात्र नाम मात्र की हमें इसमें हल्दी डालनी है, वरना ये क्या होगा कि फिर ये सोडे के साथ रिएक्शन कर जाएगी, तो आपका ढोकला जो है फिर रेड रेड बनेगा। और काफ़ी लोगों की एक्चुअली ना ये शिकायत होती है कि ढोकले में थोड़ा सा रेड कलर क्यों आ जाता है, तो वो आता है हल्दी और सोडे के कॉम्बिनेशन की वजह से। इसीलिए अब हमने इसमें हल्दी काफ़ी कम यूज़ की है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और कंटिन्यू लगातार मैं इसे 3 से 4 मिनट तक यूँ ही मिक्स करूँगी। अभी हमने इसमें सोडा नहीं डाला है ना, तो सोडा जो डालना होता है मोस्टली कई सारी चीज़ों में, तो वो हम लास्ट में ही डालते हैं। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
और ढोकला जैसा कि आप सभी जानते हैं गुजरात की काफ़ी फेमस डिश है, लेकिन हमारे देश में कोई भी ऐसी डिश नहीं होती है जो कि किसी एक कॉर्नर तक सीमित रहे। तो बैटर अब हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, लगभग 3 से 3.5 मिनट तक हमने इसे कंटिन्यू मिक्स किया, ठीक है। अब हमें इसमें लास्ट में करना ये है कि खाने का सोडा ऐड कर देना है, और खाने का सोडा ऐड करने के बाद अब हम इसे एक ही दिशा में फेंटेंगे, और फिर आप खुद ही देखिए कि कितनी अच्छी तरह से ये फूल जाए। ये देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं वीडियो को पॉज बिल्कुल नहीं करूँगी ताकि आप लाइवली देख सकें कि ये कितना फास्ट और कितनी जल्दी तरीके से ये फूल रहा है। ये देखिए जितना आप इसे मिक्स करेंगे तो ये इतना अच्छी तरह से हमारा ये बैटर जो है लगभग अब डबल हो चुका है। कंसिस्टेंसी देखिए आपको इसी तरह से रखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊंगी कि कई लोगों को ये सवाल आता है कि सोडा डालने के बाद इसे हमें कितने समय तक मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हमें उतना करना है कि जितने समय में हमें ऐसा लगे कि अब सोडा जो है हमारा वो अच्छी तरह से घुल गया, क्योंकि सोडे को हमें अच्छी तरह से सारी चीज़ों में ना घोलना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है ना। आप ये करोगे या फिर सोडा डाल दोगे बस एक दो राउंड घुमाओगे तो उतना अच्छा इफेक्ट तो आना ही नहीं है, क्योंकि आपका सोडा अच्छी तरह से घुलेगा ही नहीं, है ना। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरह से हमारा जो है सोडे का इफेक्ट हमें दिखने लग गया है। अब मैंने यहाँ पे ढोकले को सेट करने के लिए ना केक वाला टिन लिया है। आप चाहे तो कुकर का जो बर्तन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारी स्टील वाली प्लेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सारा का सारा बैटर जो है हमारे इस पॉट में डाल देंगे, और इस पॉट को आप ना ऑयल से ग्रीस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ऊपर तक अच्छे से हमें इसे ग्रीस करना है। तो ये ढोकला जो है अब हम कुकर में रखने वाले हैं, आप चाहे तो कढ़ाई में भी रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुकर में मैंने पहले पानी डाल दिया है, उसमें एक रिंग भी रख दी है। तो अब हम इसे कुकर में रख देते हैं। अच्छी तरह से संभाल कर इसे सेट कीजिएगा, और हाँ कुकर का ढक्कन लगाते समय ये सीटी निकालना बिल्कुल नहीं भूलना है। सीटी को हटा लेंगे हम और 10 से 12 मिनट में हमारा ढोकला बन जाएगा। अब आपका ढोकला बन रहा है तब तक आप फटाफट से तड़का तैयार कर लीजिए। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा गर्म होते से ही हम इसमें राई डाल देंगे, और राई को अच्छी तरह से हमें तड़कने देना है। राई की मात्रा वैसे थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा। तो हम इसमें कड़ी पत्ता, थोड़ी हरी मिर्च भी डाल देंगे। इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लें। अब थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे, लगभग 1 कटोरी पानी डालेंगे, और शक्कर हमें डाल देना है इसमें 2 चम्मच, और थोड़ा नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा ओवर हमें इसे पकाना नहीं है, बस हमारी शक्कर और नमक अच्छी तरह से घुल जाए बस इतना ही हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए 15 मिनट बाद हमने ढोकला निकाल लिया है, और काफ़ी परफेक्ट तरीके से हमारा ढोकला बनके सेट हो चुका है। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दें, इसके बाद ही इसे निकालें। और ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है, और आप हमारे ढोकला की जाली जो है बहुत आसानी से देख सकते हैं कितना परफेक्टली हमारा ढोकला बना है। ये देखिए एकदम बढ़िया सा जालीदार हमारा ढोकला बना है। अब आप इस पर कट लगा लीजिए। अब जब हमें इस पर तड़का डालना है तो इस बात का ध्यान रहे कि तड़का जो है वो भी हमारा ठंडा होना चाहिए, और ढोकला जो है वो भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। या फिर होता ये है कि फिर आपका जो ढोकला है वो फिर बहुत ही गीला गीला सा हो जाएगा यदि वो थोड़ा भी गर्म हुआ तो। चलिए इस तरह से सारा जो तड़का पानी है हम इसमें डाल लेते हैं। तो अब सारा का सारा तड़का हमने ढोकले पर डाल दिया है। अब काफ़ी अच्छी तरह से इसे सिरप को ऑब्जर्व करने दें, यानी कि सिर्फ 15 मिनट आप इसे यूं ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका ढोकला खाने के लिए तैयार है। तो रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो के लिए थैंक यू।